प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न एज की। मॉडर्न एज अंग्रेजी साहित्य में 1901 से बाद का जो समय है उस समय को मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है और ये विक्टोरियन एज के बाद आने वाला एक साहित्यिक युग है और इसमें किस प्रकार नए नए प्रकार के साहित्यिक रूप देखने को मिले, किस प्रकार लेखकों ने साहित्य में प्रयोग किए, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि मॉडर्न एज क्या है। मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर हैड स्टार्टेड टू शो इट्स फेस आफ्टर 1880। जो आधुनिक काल है मॉडर्न एज अंग्रेजी साहित्य में, इसने 1880 के बाद अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। चेहरा दिखाने का मतलब इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इट्स शोड इट्स फुल फेस आफ्टर 1901, लेकिन इसने अपना पूरा चेहरा 1901 के बाद ही दिखाया। मतलब मॉडर्न एज की जो वास्तविक शुरुआत है वो 1901 के बाद ही हुई। लार्जली द टर्म मॉडर्न पीरियड, या फिर जिसको मॉडर्न एज भी कहते हैं, इस अप्लाइड फॉर, इसका प्रयोग किया जाता है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के एक विशेष अवधि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें वो साहित्य रिटर्न लिखा गया था सिंस बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से इन 1914 में। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत के समय से जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य से आगे आने वाले सर्टन पीरियड, एक निश्चित समय काल अवधि को मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। दिस हाफ सेंचुरी हैज बीन वन ऑफ आउटस्टैंडिंग पीरियड्स इन इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर। और दिस हाफ सेंचुरी, यह अर्धशताब्दी यानी 1901 से 1950 तक के 50 वर्ष हैज बीन रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पीरियड, यानी सबसे शानदार पीरियड्स काल अवधियों में से एक रहे हैं इन इंग्लिश लिटरेचर में एंड अमेरिकन लिटरेचर और अमेरिकी साहित्य में। यानी अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य में ये 50 वर्ष शानदार कार्यों का एक समय अवधि है। इट हैज़ बीन मार्क्ड बाय वेरियस अचीवमेंट्स इन सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर्म। और इट हैज़ बीन मार्क्ड, ये जो युग है, ये काल है, इसको चिन्हित किया गया है वेरियस अचीवमेंट्स, विभिन्न उपलब्धियों के द्वारा इन सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर्म, यानी विषय वस्तु और रूप, यानी जो साहित्य की विषय वस्तु थी और इसका जो रूप था, इसमें शानदार उपलब्धियों के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है इस काल में जो साहित्य कार्य लिखे गए वो विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में भी और उसके फॉर्म यानी उसके रूप के परिप्रेक्ष्य में भी शानदार हैं। द पीरियड हैज प्रूव्ड अ ग्रेट एज, और यह जो काल है वो एक महान युग के रूप में साबित हुआ है इन ऑल थ्री लिटरेरी जॉनर्स, यानी तीनों साहित्यिक रूपों में, यानी तीनों साहित्यिक रूप यानी प्रोस, पोइट्री और ड्रामा, गद्य पद्य और नाटक, तीनों ही साहित्यिक रूप में ये जो पीरियड है, ये जो काल है वो एक शानदार महान काल के रूप में साबित हुआ है। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ लिटरेचर इन मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही, किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। तो सबसे पहला जो इस समय का साहित्य की विशेषता है वो है कि इन द पीरियड, इस काल में लिटरेचर गॉट रिड ऑफ, साहित्य ने छुटकारा पा लिया ऑफ विक्टोरियन अनकम्युनिकेटिव एंड प्रूडिटरी एटीट्यूड ऑफ लाइफ। तो जीवन का जो विक्टोरियन काल से ही चला आ रहा अनकम्युनिकेटिव यानी संप्रेषण रहित और प्रूडरी यानी महिला पुरुष संबंधों पर संकीर्णता वाली सोच, यहाँ भी लिखा हुआ है स्त्री पुरुष संबंधों पर संकीर्ण सोच, तो विक्टोरियन काल में जो संपर्कहीनता थी और स्त्री पुरुष संबंधों को बहुत संकीर्ण तरीके से देखा जाता था, ऐसा जो एटीट्यूड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण था, इससे छुटकारा पा लिया। यानी विक्टोरियन एज से चली आ रही इन दो परंपराओं को मॉडर्न एज में शामिल नहीं किया गया। इंग्लिश राइटर्स केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच पार्नेशंस एंड सिम्बोलिस्ट। और अंग्रेजी जो लेखक थे केम अंडर, वो आ गए इन्फ्लुएंस प्रभाव में फ्रेंच पार्नेशंस, जो फ्रेंच राइटर्स थे, और सिम्बोलिस्ट जो फ्रेंच प्रतीकवादी लेखक हुए हैं उनके प्रभाव में आ गए। यानी मॉडर्न एज में लेखकों पर फ्रांसीसी लेखक और प्रतीकवादियों का जबरदस्त प्रभाव था। स्कैंडिनेविया एंड रशिया रिप्रेजेंटेड बाय हेनरिक इब्सन एंड लियो टॉलस्टॉय इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश राइटर। स्कैंडिनेविया और रशिया, ये जो दो प्रदेश है, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों का जो सम्मिलित प्रदेश है उसको स्कैंडिनेविया कहते हैं। तो स्कैंडिनेविया और रशिया जिसका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व किया जाता है हेनरिक इब्सन के द्वारा और लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, इन दोनों ने ही इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश राइटर, इन दोनों ने ही ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के इंग्लैंड के लेखकों पर अपना प्रभाव छोड़ा।
तो इस पर फ्रांसीसी लेखकों का भी प्रभाव था और स्कैंडिनेविया और रशिया से आए हुए लेखकों का भी प्रभाव देखने को मिला। सम पोइट्स विश्ड टू फ्लाइटली द फिक्स्ड रूल ऑफ वर्सिफिकेशन एंड रॉड इन थ्री वर्स, और कुछ पोइट्स कवि ऐसे भी थे जिन्होंने विश्व इच्छा की टू फ्लाइट फ्री यानी मुक्त रूप से उड़ान भरने की, द फिक्स्ड रूल ऑफ वर्सिफिकेशन जो निश्चित नियम है वर्सिफिकेशन यानी छंद के ध्वनि प्रभाव के, तो इन ध्वनि प्रभाव के निश्चित नियमों से मुक्त होकर उड़ान भरने की इच्छा व्यक्त की। एंड रॉट इन फ्री वर्स और फ्री वर्स में यानी मुक्तक छंद में लिखा, मुक्तक छंद का मतलब जिसमें छंद नहीं होता है और ध्वनि प्रभाव की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो कुछ लेखकों ने इन निश्चित नियमों से दूर जाकर एक काव्य उड़ान भरने का प्रयास किया। देयर कुड बी सीन एन इंटीमेशन ऑफ अमेरिकन पोइट्स लाइक वॉल्ट विटमैन। तो देयर कुड बी सीन और देखा जा सकता था इमिटेशन यानी अनुकरण ऑफ अमेरिकन पोइट, अमेरिकी लेखकों का भी अनुकरण देखने को मिला, जैसे कि वॉल्ट मिल्टन का अनुकरण देखने को मिला। तो हमने यहाँ देखा फ्रेंच राइटर्स का भी प्रभाव था, रशिया और स्कैंडिनेविया के लेखकों का भी प्रभाव था और अमेरिकन राइटर्स का भी प्रभाव देखने को मिला। इंग्लिश लिटरेचर बिकेम मोर एक्सपेंसिव इन इट्स कंसर्न, और अंग्रेजी साहित्य अधिक एक्सपेंसिव विस्तृत हो गया, वो एक्सपेंसिव वाली जो महंगे वाली जो स्पेलिंग होती है वो नहीं है, वहाँ पर एक ही जगह ई आता है। तो अंग्रेजी साहित्य इट्स की कंसर्न यानी इसकी सीमाओं में सभी पक्षों में और ज़्यादा विस्तृत होता गया। द लाइफ एंड कल्चर ऑफ फॉरेन लैंड्स वर डिपिक्टेड, और साहित्य में विदेशी जो स्थान थे उनकी जीवन और उनकी संस्कृति का भी वर्णन किया गया। तो विदेशी भूमियों के जीवन और संस्कृति का भी वर्णन किया गया। पोइट्स गो बियॉन्ड इंग्लैंड, और जो लोग थे कवि थे वो इंग्लैंड के से बाहर भी गए, जैसे कि रुडियर्ड किपलिंग नाम का जो लेखक है, गिव्स अ जियोग्राफिकल व्यू ऑफ इंडिया, वो भारत का जो भौगोलिक वर्णन है उसके बारे में लिखता है। तो कवि इंग्लैंड से भी दूर गया, बहुत सारे कवि ऐसे जो इंग्लैंड से बाहर भी गए, जैसे रुडियर्ड किपलिंग है, उन्होंने भारत के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया है। द ग्रेट सेल्टिक लोकल लिटरेचर रिवाइवल अंडर येट्स ब्रॉट अ न्यू स्ट्रेंथ टू इंग्लिश लिटरेचर, और ग्रेट सेल्टिक यानी लोकल लिटरेचर, जो महान सेल्टिक रिवाइवल एक आंदोलन चला था जिसमें लोकल लिटरेचर स्थानीय साहित्य का पुनर्जीवन किया गया था। तो ये ईट्स के अंदर आयरलैंड में डब्ल्यू बी ईट्स के नेतृत्व में हुआ था। तो इस रिवाइवल ने, इस पुनर्जीवन ने जो ईट्स के अंदर किया गया था, ब्रॉट अ न्यू स्ट्रेंथ, इसने एक नया उत्साह पैदा कर दिया टू इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में नया उत्साह पैदा कर दिया। फाइनली द थिएटर नाउ वर्कड अप विथ रिन्यूड विगर, और अंत में जो थिएटर थे, जो नाटककार थे, अब वर्कड अप कार्य करने लग गए न्यू विगर, बिल्कुल नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ काम करने लग गए। हमने देखा था कि रोमांटिक एज में और विक्टोरियन एज में ड्रामा का पतन देखने को मिला था, लेकिन मॉडर्न एज में ड्रामा जो नाटक थे वापस उठ खड़े हुए और पूरे जोश के साथ सामने आए। आगे देखते हैं 20th century पोइट्री के बारे में। 20th century पोइट्री इज क्यूरियस मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो 20वीं शताब्दी की जो पोइट्री, जो काव्य था, वो एक मिश्रण था ट्रेडिशन परंपराओं का और एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगवादिता का। तो परंपरागत जो फॉर्म थे, नियम थे, वो भी चल रहे थे और प्रयोग करके नए नियमों पर भी प्रयोग, नियमों का भी प्रयोग किया जा रहा था। तो एक विशेष प्रकार का मिश्रण हमको पोइट्री में देखने को मिलता है जिसमें परंपरावादिता भी थी और नयापन भी था। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, यह जटिल है और मैनी साइडेड और बहुपक्षीय है। द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक इन्वेंशन, और जो विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों का जो प्रभाव है, इस क्लियरली रिफ्लेक्टेड, वो साफ तौर पर इस पर नज़र आता है। इट इज़ रियलिस्टिक, ये जो साहित्य है वो यथार्थवादी है एंड रोमांटिक टू एन एक्सटेंट, और एक हद एक सीमा तक रोमांटिक भी है। अब जो प्रमुख कवि है वो है डब्ल्यू बी एट्स। तो डब्ल्यू बी एट्स जो कि एक आयरिश पोइट था, प्रेजेंट अ मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड कंटिन्यूएशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो वो प्रस्तुत करता है एक मिक्सचर, एक मिश्रण प्रस्तुत करता है ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा का, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस, और निरंतरता का, ऑफ इन्फ्लुएंसेस, विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं उनकी निरंतरता का एक मिक्सचर प्रस्तुत करता है। तो इंग्लिश और विभिन्न प्रकार के प्रभावों की निरंतरता का एक मिश्रण प्रस्तुत करता है कौन, डब्ल्यू बी ईट्स। हिज बेस्ट पोइट्री इज इन, उसकी जो सर्वश्रेष्ठ जो कविताएं हैं वो किस रूप में हैं। द वाइल्ड, यहाँ वाइल्ड आएगा डब्ल्यू आई एल डी ई, वाइल्ड, वाइल्ड स्वान्स एट कूले जो पोएम है 1909 में लिखी थी। द टावर 1928,
द वाइंडिंग स्टेयर 1933, ये उसकी कुछ श्रेष्ठ कविताएं हैं। सम ऑफ वेल नॉन पोएम्स और कुछ उसकी सबसे अच्छी तरह जाने जाने वाली जो कविताएं हैं वो हैं ईस्टर 1916, द सेकंड कमिंग बाइजेंटियम, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, ये सभी डब्ल्यू बी की प्रमुख कविताओं में से एक है। अगला दूसरा जो पोइट है जो मुख्य ज़्यादा प्रतिष्ठा रखता है वॉज वन, वो एकता हूँ, पोइट्री रिफ्लेक्ट्स एन एसलेक्टिक फिलोसफी बोरोड फ्रॉम इस ऑन क्रिश्चियनिटी, जिसकी जो पोइट्री है, जिसका जो काव्य है, रिफ्लेक्ट्स वो दिखाता है एक्लेक्टिक फिलोसफी यानी साधु सन्यासी आधार्मिक एक दर्शन दिखाता है, बोरोड जो कि उसने लिया था फ्रॉम हिज ऑन क्रिश्चियनिटी, अपनी ईसाइत से, ईसाई धर्म से, बुद्धिज्म बुद्ध धर्म से और इंडियन उपनिषद और भारतीय उपनिषदों से यह जो दर्शन है उसने प्राप्त किया था। हिज द वेस्ट लैंड, उसकी जो वेस्ट लैंड है कविता, शुक द होल सोसाइटी, उसने पूरे समाज को हिला दिया, फॉर इट्स फ्यूटिलिटी एंड ह्यूमन इनिटी, अपनी निरर्थकता से और मानवीय शून्यता से पूरे समाज को हिला दिया था वेस्टलैंड नाम की कविता ने, क्रांतिकारी कविता थी। हिज अदर पोएम्स आर, और उसकी दूसरी कविताएं थी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पूफोर एंड ऑन फोर क्वार्टरेट। रुडियर्ड किपलिंग रॉट एंड ऑन एम्पिरिस्टिक थीम्स, और रुडियर्ड किपलिंग ने साम्राज्यवादी विषय वस्तुओं पर लिखा। इन बैरक रूम बैलेट्स 1892, बैरक रूम बैलेट्स 1892 में, द सेवन सीज 1896 में एंड फाइव नेशंस 1903 यानी 1903 में। एज द सेंचुरी प्रोसीड्स, और जैसे जैसे शताब्दी आगे बढ़ती है, अ ग्रुप ऑफ पोइट मेक देयर मार्क, यानी कवियों का एक समूह अपनी छाप छोड़ता है। दे रॉट विद सोशल अवेयरनेस, उन्होंने सामाजिक जागरूकता के साथ लिखा। एक्सपोजिंग द बोर्जुआ कल्चर, और उच्च वर्गीय संस्कृति को सामने लाया। एंड कैपिटलिस्टिक एक्सप्लोइटेशन, और पूंजीवादी जो शोषण है उसको सामने लाया। तो सामाजिक जागरूकता के साथ लिखा, बोर्जुआ कल्चर, उच्च वर्गीय संस्कृति को उजागर किया और पूंजीवादी शोषण को भी उजागर किया। और ऐसे कवि थे स्टेफन स्पेंडर, डब्ल्यू एच ओडेन, सी डे लुइस और लुइस मैकनीस। आज के इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।